कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो सब लोगों को मेरी तरफ से विकी ग्राफिक्स की तरफ से जुमा मुबारक। आज का हमारा टॉपिक, आज की हमारी वीडियो जो है वो हम बनाने जा रहे हैं वीडियो एडिटिंग के हवाले से, वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से। आप यूट्यूब की वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं, ये यूट्यूब शॉर्ट्स की वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं, टिकटॉक रील्स की वीडियो होगी, इंस्टाग्राम रील्स की वीडियो होगी, आप कैसे एडिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में प्रॉपर आपको ये चीज़ बताई जाएगी। सो चलते हैं स्क्रीन पे। सो स्टार्ट करते हैं, ओपन कर लेते हैं यहाँ से हम वर्डपैड। वर्डपैड में आप यहाँ पे लिखें अपना जो हमने ड्रॉ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास आ जाता है स्क्रीन रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर, स्क्रीन रिकॉर्डर जो है हम जहाँ पे हम अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारी होती है। सो मैं यूज़ करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से जो है सॉफ्टवेयर, उसका नाम है आइसक्रीम रिकॉर्डर। ये मेरे पास तकरीबन वेरिएंट 6 पड़ा हुआ है, अब तो वल्बन वेरिएंट 7 भी, वेरिएंट 7 भी आ गए। तो ये मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है, मैं इसे यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा है, इसकी रेंडरिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, कोई क्रैक वेरिएंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो है वाटर मार्क नहीं आता। दूसरी चीज़ हम जो यूज़ करते हैं वीडियो एडिटिंग के हवाले से, जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग के हवाले से, वीडियो कटिंग के हवाले से, वो मैं यूज़ करता हूँ फिल्मोरा, वंडरशेयर फिल्मोरा। वंडरशेयर फिल्मोरा अभी जो लास्ट टाइम आया है, वंडरशेयर फिल्मोरा 12, उसमें बहुत क्लास के फीचर्स हैं। और गालबन ये भी सुनने में आया है कि उसमें वाटर मार्क वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है, या अगर हुआ भी तो बहुत कम रेट में आप उसे परचेज कर सकते हैं। सो नाउ मैं तो अभी यूज़ कर रहा हूँ वंडरशेयर फिल्मोरा एक्स। इसकी मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा कि आपको ये कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे आपने एक्सट्रैक्ट करना है, एक एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ अपनी रील्स के लिए और अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, ट्रांजिशंस हैं, उसके बाद आप ऑडियो हैं वो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, हम पहले चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और वहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि हम आइसक्रीम रिकॉर्डर जो है अपना, उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, कौन सी वेबसाइट से इंस्टॉल करेंगे, क्या सिस्टम हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। नाउ ये हम आगे अपनी स्क्रीन पर, और ये मेरे पास रॉर की फाइल्स हैं, ये मैंने डाउनलोड की हुई है गेट इन टू पीसी से, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको विन रॉर में जाके एक्सट्रैक्ट कर दें यहीं पे, और इसका पासवर्ड जो है, पासवर्ड होता है 123, ये आप देख सकते हैं 123 पासवर्ड। ओके, इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके दे देगा हमें दोबारा। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, विन रॉर में जाएंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे 123 एंड प्रेस ओके। सो दोनों फाइल्स हमारे पास एक्सट्रैक्ट होके आ चुकी हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये हमारे पास इसका पासवर्ड भी लिखा आ गया, नाउ ये वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। इसको ओपन करते हैं, इसको भी ओपन करूँगा यहाँ से। अच्छा एक चीज़, यहाँ से ना डिफाइंडर आपने लाजमी ऑफ कर लेना है, क्योंकि ये क्रैक वेरिएंट है, इसमें से क्रैक जो है वो फिर उड़ जाएंगे जब तक ये ऑफ नहीं करेंगे। सो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग, इसमें जाएँ आप मैनेज सेटिंग और ये सारे ऑप्शन आपने ऑफ कर लेने। यहाँ तक करने के बाद दोबारा आप इसे ओपन करें, इसको इसे ओपन करें और ये देखें क्रैक में हमारे पास ये एक्टिवेटर पड़ा हुआ है। अगर तो वो डिफाइंडर हमारा ऑन हुआ तो ये एक्टिवेटर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सो स्क्रीन रिकॉर्डर का सेटअप हमने रन एड टू एडमिनिस्ट्रेशन करना है, मैं आपको करके यहाँ पर बताता हूँ। मेरे पास तो इंस्टॉल है पहले से, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसका करके बताता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे ये हमारे पास रन हो रहा है, यहाँ से मांगेगा आपके पास लैंग्वेज, लैंग्वेज इंग्लिश, और यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट,
आपने नेक्स्ट करना है यहाँ से, ये सबको ओके करके दोबारा नेक्स्ट करेंगे, आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपका ऑप्शन आएगा कि लॉन्च करें, लॉन्च नहीं करना है आपने, इसको मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद आपने एक्टिवेटर में जाना है और एक्टिवेटर को इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ तक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन मांगेगा और यहाँ से आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर आपने सेलेक्ट करके एक्टिवेट कर देना। मेरे पास एक्टिवेट है इसलिए मैं दोबारा इसे एक्टिवेट नहीं करूँगा, सो मैं इसको यहाँ पे नो करता हूँ। यहाँ तक एक चीज़ क्लियर, रिकॉर्डिंग के हवाले से आप ये पास ये अलग से सेटअप तैयार। नाउ हम चलते हैं, हम वीडियो एडिटिंग कौन से सॉफ्टवेयर में करेंगे। सो वंडरशेयर फिल्मोरा है, इसको हम यहाँ पे रन करेंगे। इसके भी ये क्रैक वेरियन है पड़े होते हैं और यहाँ से ये तीन लास्ट वाले इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में आपके पास आएगा प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स में सबसे नीचे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा वंडर शेयर, इस फोल्डर को ओपन करेंगे। इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी या ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे वो तीनों पेस्ट कर देंगे। मेरे पास तो ये हुआ हुआ है इसलिए मैं इसको दोबारा पेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ तक करने के बाद आपका वंडर शेयर फिल्मोरा जो है वो तकरीबन इंस्टॉल हो जाएगा। एक चीज़ रह गई है कि क्रैक में जाएं आप होस्ट पैचर, इसको भी आप रन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन लाजमी कर लें, ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव। सो यहाँ तक करने के बाद हम ओपन करते हैं अपना वंडर शेयर फिल्मोरा। ओपनिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा, ये तो आपके सिस्टम पे बात है कि सिस्टम आपका कितना अच्छा है, कितना ज़्यादा फास्ट है, उस पर सॉफ्टवेयर कितनी जल्दी वर्क करेंगे, कितनी स्लो वर्क करेंगे। मेरा अभी जो स्पेक्स हैं सिस्टम के वो तकरीबन 256 SSD लगी हुई है इसमें। ये ओपन हो गया, ये इंटरफेस आपके सामने आ गया। यहाँ से आप अपना जो है एरिया डिसाइड कर सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड हो गया, इंस्टाग्राम के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं या आप यूट्यूब वीडियोज़ के लिए यूज़ करेंगे तो हम 16:9 यूज़ करेंगे। फाइल्स में जाएँ, न्यू प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ें दी होंगी। ओपन प्रोजेक्ट, आपका कोई प्रोजेक्ट है आपने ओपन करना है, जैसे ये रिसेंट प्रोजेक्ट मेरे पास रील्स के लिए मैंने रखा है, इसे मैं ओपन करना चाहूँगा, यहाँ से मैं ओपन कर सकता हूँ। इंपोर्ट मीडिया फाइल्स, यहाँ से चले मैं इंपोर्ट करता हूँ अपनी यूट्यूब फाइल्स में जाता हूँ, यूट्यूब वीडियोज़ में। यहाँ से जाके मैं ये अपनी मैनिपुलेशन वाली लास्ट वीडियो मैंने डाउनलोड की थी, ये यूट्यूब पे मैंने अपलोड की हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं बायो में आपको दे दूंगा। इसको यहाँ पे लाके पेस्ट करना है और कीप प्रोजेक्ट सेटिंग से क्लिक कर देना है। ये जो इसकी एरिया है, यहाँ से इसका एरिया कम होता है, ज्यादा होता है, ये जो एरो बना आता है आप इसका एरिया ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ पे इसको फुल कर देना है। फुल करने के बाद मेन एक चीज आपके पास आती है कि हम यहाँ पे अपना लोगो लगाना चाहते हैं, तो ये मेरे पास अपना लोगो नाम से मैंने ये सेव किया हुआ है, इसको मैं लेके यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो ये हमारे पास स्क्रीन पे ये बड़ा सा आ जाएगा। इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ से मैं इसको स्मॉल कर लूँगा। अच्छा, ये यहाँ तक कर लिया, अब ये चीज़ बची है, इसको हम मैं ड्रैग करूँगा जितनी मेरी वीडियो है वहाँ तक, इसको भी ड्रैग कर लूँगा ताकि ये जितनी मेरी वीडियो है वहाँ तक ये भी साथ रहे। नाउ ये मैं इसे, जैसे ये मेरा लोगो लगा है, अब इसे मैं सिलेक्ट करना चाहूँ, यहाँ पे रखना चाहूँ, यहाँ पे रखना चाहूँ, मेरी मर्जी, स्मॉल कर लें, यहाँ से चलाएं आप वीडियो तो ये देखें ये मेरे पास पहले लगा हुआ है जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। इसे हम डिलीट करेंगे, ये आप लगाना चाहें अपना लोगो तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। नाउ अब बात आती है कि हम वीडियो कटिंग कैसे करेंगे। अपनी वीडियो में किसी चीज़ में हम मिस्टेक कर जाते हैं, कोई चीज़ हमें नहीं याद रहती, वो हमने काटनी होती है लाजमी, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारी बुरी लगती है। देखें अब यहाँ पे है, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो मेरी यहाँ से कट हो जाए, तो यहाँ पे सीजर पे लाके मैं राइट क्लिक करूँगा, लेफ्ट क्लिक करूँगा और इसे ड्रैग करके लाके यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके ये एरिया पीछे वाला मैं क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। अब ये देखें वो मेरा एरिया जो पीछे बच गया था, वहाँ से जो मैंने सेलेक्ट किया वो मैंने डिलीट किया, वो वहाँ से प्रॉपरली डिलीट हो चुका है। वहाँ पे अगर कुछ मैंने मिस्टेक्स की भी हो तो वहाँ से मैंने वो उसको रिमूव कर दिया। यहाँ तक
करने के बाद अब हम चलते हैं इसके मेन्यूज़ की तरफ। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी नहीं हैं। सबसे पहले तो ये मीडिया कफ, ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। दूसरा ऑडियोज आपके पास यहाँ पे पड़े हैं, आप नेट कनेक्ट करके आप यहाँ से ऑडियोज डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी फाइल्स के लिए आपने लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। टाइटल्स आ जाते हैं आपके पास, आपने वीडियो में कोई कोई किसी भी जगह पे टाइटल लगाने हैं, आप किसी भी तरह के टाइटल आप लगा सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे टाइटल्स आपको मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि कहाँ से होंगे कहाँ से नहीं, सिर्फ आपने नेट कनेक्ट करना है और यहाँ से ये खुद बखुद इंस्टॉल हो जाएंगे। 1-2 MB के होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। अब मेरे पास ये कुछ इंस्टॉल हुए पड़े हैं, कुछ नहीं हुए, तो अब ये देखें ये कितना प्यारा टाइटल है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही मज़ीद इसमें ट्रांजिशंस हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियोस में अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना लगे तो काइंडली आप मुझे टेक्स्ट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको आपकी ज़रूर रहनुमाई करूँगा। अब ये ट्रांजिशन इफेक्ट हैं, कुछ इफेक्ट ये देखें, ये फेड इफेक्ट है, ऐसे ही हो गया। ये हमारे पास बार इफेक्ट। नाउ ये नीचे हम जूम करेंगे, ये ट्वर्ल इफेक्ट है। ऐसे ही हमारे पास बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स और ट्रांजिशन इफेक्ट, ये हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हैं। अब ये इफेक्ट्स आ जाते हैं, हम वीडियो में कोई भी इफेक्ट लगाना है, क्रोमेटिक इफेक्ट लगाना है आपने, ओल्ड इफेक्ट लगाना है आपने, वो लगा सकते हैं। अब ये डाउनलोड मेरे पास नहीं है, आप इसे डाउनलोड करके ये लगा सकते हैं। ये बुके ब्लर इफेक्ट है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये लाइटनिंग इफेक्ट है, लाइट राउंड अबाउट वीडियो के चलती है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसे ही आपके पास एलिमेंट्स आ जाते हैं, एलिमेंट्स आप किसी भी बॉडी पे आप लगा सकते हैं, किसी भी आप का एरिया जो आपने हाइड करना है आप वहाँ पे एलिमेंट ये लगा सकते हैं। दूसरा ये आपके पास आ जाती है स्प्लिट स्क्रीन, आप यहाँ पे डबल स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे आप वो स्क्रीन भी यूज़ करें। यहाँ पे एक स्क्रीन यूज़ हो सकती है, दो यूज़ हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, इवन के 6 स्क्रीन भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सही है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात मेरी समझ लग गई होगी। अब यहाँ पे आ जाती है इसकी एक्सपोर्टिंग की बारी। यहाँ पे आप नेम देंगे, यहाँ पे आप इसके आप पाथ डिसाइड करेंगे कि आपने कहाँ पे अपनी वीडियोस को सेव करना है। मैंने अभी जो है यूट्यूब वीडियोस पे ही सेव कर रहा हूँ अपनी वीडियोस, ताकि मुझे आसानियों मिले। सेटिंग्स में जाएं तो आप यहाँ पे इसकी क्वालिटी को बेटर कर लें, गुड रख लें, बेहतर है कि आप इसको गुड कर लें। और फ्रेम रेट को जो चलता है ज़्यादातर वो 29.97 है या 30 FPS है। और बिट रेट मैं जो रखता हूँ वो 8000 रखता हूँ या 10000 रखता हूँ, उसे ओके कर दें। और ये साइट पे आपके पास जो है ना पड़े होते हैं कि आप वीडियो कौन से फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से आप किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। इसके लिए भी अलग फीचर्स हैं कि आप कोई भी डाउनलोड करेंगे तो दोबारा आप फ्रेम रेट उसका चेक करेंगे, सेटिंग्स में आप उसकी बिट रेट चेक करेंगे। अब मैंने इसको छेड़ा है तो मैं इसे अब दोबारा सेट करूँगा, सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में जाने के बाद आप दोबारा मैं इसका फ्रेम रेट जो है वो सेट करूँगा, उसका क्वालिटी जो है वो गुड कर ली, और यहाँ से फ्रेम बिट रेट 8000 कर लिया, और यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। ये एक्सपोर्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, कोई इशू नहीं है, एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, ये मैंने अपना थोड़ा सा ये इंट्रो बनाया था। ये मेरे सारे बहुत ही इज्जत के काबिल हैं जितने मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है, सर अदनान अब्बास साहब। इनके यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर आप इनके चैनल को भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं ये भी। आज के लिए ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ही क्लोज होता है। यही हमारे कुछ स्टेप्स थे जो हमने फॉलो करने हैं। फॉलो करने के बाद आप जो है वीडियो एडिट कैसे कर सकते हैं वो जान सकते हैं, जो अपनी रील्स कैसे एडिट कर सकते हैं वो जान सकते हैं, आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं वो जान सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।